जय माता दी। मित्रों, नवरात्र के तीसरे दिन दुर्गा जी के तीसरे रूप चंद्रघंटा देवी के वंदन, पूजन और स्तवन करने का विधान है। इन देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्रमा विराजमान है, इसलिए इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला और बाहन सिंह है। इस देवी के 10 हाथ माने गए हैं और ये कमल, धनुष, बाण, खंग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा आदि जैसे अस्त्र और शस्त्र से सुसज्जित हैं। इनके कंठ में श्वेत पुष्प की माला और शीश पर रत्न जड़ित मुकुट विराजमान है। माता चंद्रघंटा युद्ध की मुद्रा में विराजमान रहती हैं। मित्रों, इस वीडियो में हम माता की पूजा विधि, माता का मंत्र और माता की कथा सुनाएंगे, इसलिए वीडियो को सावधानी पूर्वक पूरा देखना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मित्रों, माता के तीसरे स्वरूप को सफ़ेद कमल और पीले गुलाब की माला अर्पण करनी चाहिए। माँ को केसर की खीर और दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देवी चंद्रघंटा शुक्र ग्रह को नियंत्रित करती हैं। देवी की पूजा से शुक्र ग्रह के बुरे प्रभाव कम होते हैं। इनकी आराधना से व्यक्ति में वीरता का संचार होता है और शत्रु पर विजय मिलती है। दोस्तों, माता की पूजा विधि इस प्रकार है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर माता का ध्यान करें और फिर पूजा स्थल पर गंगा जल से छिड़काव करें। इसके बाद माता का ध्यान करते हुए 5 घी के दीपक जलाएं और फिर माता को सफ़ेद कमल या पीले गुलाब के फूल या माला अर्पित करें। माँ दुर्गा को फूल अर्पित करने के बाद रोली, अच्छत और पूजा की सामग्री अर्पित करें। कपूर और दीपक से माता की सुबह शाम आरती उतारें। आरती के दौरान पूरे घर में शंख और घंटा बजाएं। ऐसा करने से घर की नकारात्मकता खत्म होती है। इसके बाद परिवार समेत माता के जयकारी लगाएं और भोग में माता को केसर की खीर या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाकर पूजा संपन्न करें। माता की स्तुति के लिए इस मंत्र का उच्चारण करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ सर्वत्र विराजमान और चंद्रघंटा के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है, या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माता, मुझे सभी पापों से मुक्ति प्रदान करें। दोस्तों, माता की कथा इस प्रकार है कि माता दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार तब लिया था जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा था। उस समय महिषासुर का भयंकर युद्ध देवताओं से चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। वह स्वर्गलोक पर राज करने की इच्छा पूरी करने के लिए यह युद्ध कर रहा था। जब देवताओं को इस इच्छा का पता चला तो वे परेशान हो गए और भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने पहुँचे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने देवताओं की बात सुन क्रोध प्रकट किया और क्रोध आने पर उन तीनों के मुख से ऊर्जा निकली। उस ऊर्जा से एक देवी अवतरित हुई। उस देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, इंद्र ने अपना घंटा, सूर्य ने अपना तेज और तलवार और सिंह प्रदान किया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध करके देवताओं की रक्षा की।